तो ये सवाल रहा आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का। सवाल है कि एक टेबल को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, उस टेबल का विक्रय मूल्य क्या है जो 15% पर बेचा गया, उस समय विक्रय मूल्य क्या है, ये निकालना है। तो एक आप जो है फॉर्मूला विधि से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप इस सवाल को बना सकते हैं। बिना फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं तो इसे मैं बता रहा हूं कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना सो प्लस एक्स बटे सो प्लस वाई, इसे आप एक्स मान लें, इसे वाई मान लें, तो आपका इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। दूसरी बात है आपको याद रखना है कि जिस वैल्यू को निकालते हैं उसे हम ऊपर रखते हैं, जिस वैल्यू को नहीं निकालना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम नीचे रखते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो एक पॉइंट आप याद रखें, जिस वर्ड को निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे, जिसे नहीं निकालना उसे हम नीचे रखेंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा विक्रय मूल्य 600 रुपया है, हमको निकालना है 15% के लाभ पर बेचा गया जो विक्रय मूल्य, उसे निकालना है, तो 15% पर निकाला है तो उसे ऊपर रखेंगे, 20% जो दिया हुआ उसे हम नीचे रखेंगे, तो भी आंसर निकल जाएगा। 15% मतलब बेचा गया 115 पे, विक्रय मूल्य हो गया 115 रुपया, और जो पहले बेचा गया 600 पर उसका होगा 20%, विक्रय मूल्य होगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, इसे काट देंगे 12 पचे 60, इससे तब जब दोनों को गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा 575 रुपया। तो आंसर आ गया, एक फॉर्मूला विधि से आप बना सकते हैं। सेकेंड रूल है, सेकेंड आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीका से जो बनाने का इसका रूल है कि 15% पे निकालना है, 20% पर 600 रुपया में बेचा जाता है, तो 20% मतलब 120 बराबर सेलिंग प्राइस 120, तो 600 रुपया में बिक गया, एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 पचे 60 5 हो जाएगा, तो कितना पे निकालना है, 15% पर निकालना है, 115 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए इस दोनों में, तो हो जाएगा 575 रुपया। तो ये भी दूसरा तरीका है निकालने का, तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नहीं तो जिसे निकालना है जो दिया है उसको बराबर कर दीजिए, जिसे निकालना है उसके बाद वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ गया, तो ये आपका 575 रुपया आंसर हो गया। थैंक यू। तेरा नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन है, ए ने एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा और सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो आप जो है इस सवाल को इस फॉर्मूले पर बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी बनाने के लिए बता दूंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। यहां पर क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो यहां दिया हुआ है, सी ने उसे ए का मान निकालना है, तो ए का मान यहां पर निकलेगा, तो इसे जो है हम क्या करेंगे, यहां पर क्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य यहां दिया हुआ है 1500 × a × 1 प्लस आर का मान दिया पहला 20%, दूसरा आर का मान दिया हुआ है 1 प्लस, ये हो गया आर 1, ये हो गया आर 2, 25% बटे 100। तो इसको हल करेंगे क्या निकलेगा, 1500 बराबर 100 प्लस 20 120, ये का मान निकालना है 120 बटे 100 गुना 125 बटे 100, ये सुनना जो है ये सुनना कट गया, 25 पचे 125, 25 चौके 100, ये 5 से काटेंगे, 5 किया 15, 300 ये काटेंगे 6 से 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 50 आ गया, और ये 2 से काटेंगे 50 को, तो ये आ गया 25, 25 को 2 10 से गुना कर देंगे तो ये का मान हो जाएगा 25 × 250, 25 चौके 100 × 10 यानी कि 1000 रुपया, गुना करना है 25 × 10 × 4, 25 चौके 100 मतलब 1000 रुपया, इसका हो गया आंसर।
ए खरीदा था 1000 में। दूसरा इसे बनाने का तरीका क्या है, मुझे ए बी और सी का मान दिया हुआ है, यदि हम बैक चलेंगे, यदि हम बैक चलेंगे तो 100 को ऊपर रखेंगे, यदि हम आगे चलेंगे, यदि हम आगे चलेंगे तो 100 को हमेशा नीचे रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमको इधर सी से ए की ओर निकालना है, बैक जाना है, उल्टा निकालना है। मुझे दिया हुआ सी का मान 1500 रुपया, आपको ए का मान निकालना है। बैक चलने में 100 को हमेशा ऊपर रखिए, 100 को हमेशा ऊपर रखिए, और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है कितना, 20% लाभ पर, सी का मान 25%, 125 हो गया, और ए बी को दिया था 20% पर, 100/120 हो गया। तो इसे भी हल करेंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा कैसे, 25 25 125 6 150 60, इसमें कट गया 12 5 60, 5 आ गया, 5 से गुना करेंगे तो ये 5 ही 5 कट गया, तो कितना बच गया, 100 × 10, मतलब कि 1000 रुपया आंसर आ गया। तो इसे दूसरा तरीका से इस ये भी निकालते हैं, यदि आप याद रखें कि हमेशा जो बैक चीज करें वो निकालते हैं, हमेशा उसमें 100 को ऊपर रखते हैं, यदि यह बात आपके दिमाग में सेट हो गया कि 100 को हमेशा ऊपर में रख करके गुना करने से हमेशा मेरा बैक का चीज मूलधन निकलता है, स्टार्टिंग का सेल निकलता है वैल्यू, तो आप कोई भी सवाल को सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों, इसे पढ़े और समझे, अगर समझ गए तो आपका आंसर आपके हाथ में है, नहीं समझे तो आंसर आपका नहीं निकलेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक घड़ी 800 रुपये में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 600 रुपये में बेचने पर हानि होता है, लाभ जितना होता है उतना ही हानि होता है, तो घड़ी का करें मूल्य क्या है। तो आसान सी बात है भैया, कि अगर जो इस सामान को बेचे 50% लाभ हुआ तो 50% हानि हुआ, 100% में 50% हुआ तो आधा आधा हो गया, तो आंसर तो आ गया भैया। आंसर क्या है कि आपका जो है आंसर सीपी जो है, घड़ी का सीपी निकालना है, दो घड़ी है, जितना लाभ हुआ उतना हानि हुआ, 50% लाभ हुआ 50% हानि हुआ, अब दोनों मिलकर के 0 हो गया, तो दोनों का आंसर 50% हो जाएगा, 800 + 600 का आधा कितना हो गया, आधा का मतलब क्या होता है 50%, तो 50% हो गया 800 × 1400, 1400 का आधा कितना हो गया 700 रुपया हो गया, या 50% नहीं हुआ क्या भैया, आप 50% नहीं हुआ, 50% हुआ, 700 रुपया आपका आंसर आएगा। कितना आसान था सवाल, सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है उसे समझिए, अच्छी तरह से समझने के बाद आपका आंसर खुद आपके हाथ में रहेगा, परीक्षा में आप सवाल को पढ़ेंगे, अगर समझ गए तो आपका आंसर आपके क्वेश्चन आंसर सीट में आ जाएगा, नहीं समझे तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यह है सवाल समझने की चीज।